नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो आज का बहुत बढ़िया जानकारी है एकदम। पहले तो फार्म अपडेट है, कितने सारे बछियों को और कौन सी गाय को सीमन लगवाया, उसके बाद पूरा डिटेल है आज एक गाय को लेकर। एक गाय को हम कितना खुराकी निर्धारित किए हैं, उसको एक ही गाय के लिए सिर्फ निर्धारित हुआ है, बाकी पूरा फार्म के लिए बाद में करेंगे। एक महीने का रिजल्ट हमको निकालना है, तो एक महीने के लिए हम उसका पूरा प्लान कितना किए हैं, क्या क्या देना है उसको, कितना देना है, कितने के मात्रा में देना है, वजन के साथ और क्या क्या देना है उसको, किसी को मिले या ना मिले, उस गाय को निर्धारित किए हैं कि इसको देना है। एक महीने आजमाना है कि उस पर क्या उसका रिजल्ट है, और ये सभी गाय का जो दे रहा हूँ जिस हिसाब से उससे क्या रिजल्ट है। तो वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, जानकारी होने वाली है आप लोग को कि एक गाय को कितना खिलाएंगे, और लास्ट में हम एक महीना मतलब बाद आपको डिटेल देने वाले हैं कि कितना दूध वो गाय दी है, रोज का रिकॉर्ड निकालेंगे उस गाय का और पूरा डिटेल देंगे। तो आज वीडियो में लास्ट तक आप लोग देख लीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी आप लोग को मिलने वाला है इस चैनल पर। इस चैनल पर कोई बकचोदी वाला वीडियो नहीं आने वाला है, जितना लॉन्ग वीडियो लाइव वीडियो आएगा सब आप लोग का काम का आएगा, जीवन का हकीकत आएगा। जीवन में मेरे जैसे लगभग 50% लोग उलझन वाले हैं, केवल 10% ऐसे हैं जो सुख शांति वाले हैं, 40% को कुछ न करना है न भरना है, वो इधर से उधर दूसरे को मतलब चुगलखोरी करते चलते हैं। 50% दुनिया में करने वाले हैं और उसमें से 50% मतलब दिक्कत में है। तो ये सब वीडियो बनाना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का एक राय रहता है कि दो गाय रखे कि ना रखे, मतलब बहुत लोग टूट के फिर से बंद करके और फिर से सोच रहे करने के लिए। तो उसी लिए ऐसा वीडियो ला रहा हूँ कि एक गाय का मतलब डिटेल निकालने वाला हूँ, इतना खिला देता हूँ तो क्या दे रही है, हम उसको आजमाने वाले हैं। लोग जितना दे रही है उसके हिसाब से खिलाते हैं, लेकिन हम इतना खिलाने के बाद क्या ले रहे हैं उसको आज देखने वाले हैं हम। एक महीने के बाद हम प्लान उसका पूरा फाइनल कर देंगे। एक महीना एक गाय को खिलाना है, भले हमारा 10,000 रुपया बर्बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस गाय को खिलाने जा रहे हैं, और किस गाय को खिलाने वाले हैं बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं। पहले पूरा गायों का डिटेल दे देते हैं, कितना कौन सा गाय दूध दे रही है, फार्म पर अभी टोटल दूध कितना दोनों टाइम मिला के मेरा हो रहा है, और समिति में कितना दूध आ रहा है, आजकल कितना मैं कमा रहा हूँ यहाँ से, ये जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का यही रहता है प्रॉफिट में हो कि नहीं हो। तो मैं बहुत सारा चीज़ बता दिया हूँ कि प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारा तैयार हो रहा है आगे के लिए। बिजनेस केवल एक दिन का नहीं है प्रॉफिट, इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होता रहता है, कभी बराबर होता है। तो हमारे पास आगे के लिए क्या तैयारी हो रहा है ये भी जरूरी है। तो हमारे पास देख लीजिए कितनी बछिए को हमने सीमा लगाया। चलिए बैक कैमरा कर रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों बैक कैमरा कर चुका हूँ, बछियों से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा इस साइड में देखिए, ये एक बछड़ा और बछिया, इधर भी बछिया, एक ये रेड कलर वाला बछड़ा, ये बछिया, इतनी सारी बछिया इधर तैयार हो रही है। एक ये वाली बछिया, ये भी अब सीमेन लगने की कगार पर है, ये भी बछिया, दोनों एक ही जोड़ी है, 15 दिन आगा पाछा। ये वाली बछिया को सीमेन हमने लगवा दिया है, इसको हमने अभी पहली ब्यात की है, और वेट और इसका ये सब बांट का थनका, और देखिए आपको ये डिजाइन देखिए। इसकी माँ का नाम बदमसिया है, 28 लीटर हाईएस्ट मिल्क रिकॉर्ड है इसकी माँ का। तो बछिया भी मतलब कलर केवल अलग हुआ है, लेकिन बछिया भी ठीक है, माँ का सेम थन और बांट लिया है। माँ का छिमी है व्हाइट कलर का, इसका जो है ब्लैक कलर का है, फर्क इतना ही है। माँ का कलर आप देख सकते हैं वहाँ पर, प्रेग्नेंट है, दूसरी नंबर वाली है, उस साइड में ब्लैक उसके बगल में ही है। तो माँ का मतलब रिकॉर्ड 28 लीटर है, और बांट और थन सब इसके जैसा ही है, लेकिन कलर ब्लैक है और व्हाइट कलर माथे पर है, इसका रेड कलर है। तो बछिए को सीमन लगवाया हूँ, अब 20 दिन के आसपास हो गया है, और इस बछिए को सीमन हमने क्रॉस ब्रीड डलवाया है, इसलिए कि पहली ब्यात है और वेट इसका उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बछिया बहुत तंदुरुस्त है, एकदम बढ़िया तैयार है। बछिया मतलब जैसी होनी चाहिए ऐसी है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि 14 महीना की बछिया, कोई खास ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। एकदम इसका देखिए लंबाई चौड़ाई अपने माँ जैसे ली है, इतना बड़ी हाइट की है, और गर्दन एकदम सांड की तरह लंबा चौड़ा, सब एकदम डिजाइनिंग गाय का, जो असली गाय है, फार्म पर भी रख सकते हैं, और किसान है घर पे पालना चाहता है उसके लिए भी है। तो ये बछिया तैयार हो रही है, चलिए इस बछिया का 20 दिन हुआ है, आगे चल के रिजल्ट देखते हैं। क्रॉस में ब्रीड हम डलवाए हैं, क्रॉस में इसको गिर का हम डलवाए हैं, इसलिए कि पहली बार की बछिया आए या बछड़ा आए कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा, लेकिन हमको सुरक्षित लेना है, क्योंकि ABS का जो भी सीमेन है हाईएस्ट, जो सेक्स सीमेन लोग बोल रहे हैं जिससे बछिया आती है, तो वो 70 किलो से कम की बछिया नहीं आती है, इसलिए फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय अगर 400 किलो से कम वेट वाली है उसको ना लगवाए, नहीं तो नुकसान हो जाती है। गाय बहुत सारी, ये गाय मर जाती है लोगों का बच्चा देने के 10-15 दिन बाद ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है कि सीमेन आप बिना अंदाज का लगवा देते हैं, आपको केवल दूध के लिए और हाईएस्ट मिल्किंग वाली चाहिए,
उस पर काम करते हैं। मेरे को भी लोग कमेंट करते हैं, जो जानते हैं वो मेरे को बोलते हैं कि भैया आप क्रॉस ब्रीड रखिए, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो बोलते हैं आप ब्रीड ही नहीं रखे हो तो आप क्या प्रॉफिट कमाओगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्रीड नहीं रखे है तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सवाल है कि ये ब्रीड नहीं है तो क्या है? ये मेरे पास ब्रीड नहीं है तो क्या ये घूरे पर फेंका हुआ है पंजाब हरियाणा से? क्या इससे बढ़िया कोई नस्ल लाता है? ये व्हाइट ब्यूटी जो है इसका एक एक डेढ़ डेढ़ लाख लोग दाम मांगते हैं। ये गाय है एकदम, देखिए इतनी लंबी चौड़ी गाय है, आप वीडियो देखकर अनुमान मत लगाइए कि ब्रीड है कि नहीं है। ब्रीड तो यहाँ जितनी इस साइड में है ना अब की बार, सभी अपने आप में ब्रीड है, क्यों कोई भी गाय 22 23 25 लीटर से कम वाली नहीं है। और बिहार में मैं मानता हूँ कि 20 लीटर अगर दूध दे रही है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 20 लीटर वाली में रोग व्याधि कम आता है, 20 से ऊपर जाती है तो उसमें आता है। हमारे यहाँ भले पंजाब हरियाणा डेवलपमेंट कर लिया इसलिए नहीं आता, हमारे यहाँ आता है। बहुत लोगों के पास समस्या है, बहुत लोगों को पूरा अनुभव नहीं है, भले हमारे पास थोड़ा अनुभव हो गया है तो हम मेंटेन कर लेते हैं। तो इस पर कोई बात नहीं करना है, सब ब्रीड और ये सब तो जिसको बकचोदी करना है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको काम का वीडियो है आप लोग देखिए और अनुभव लीजिए, हमसे हमसे लीजिए, किसी और से हमसे भी अच्छा मिल रहा है तो आप वहां से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निसंकोच एकदम। आपको मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, अगर मेरे से काम बनता है तो कराइए और देखिए, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जिसका चैनल है, किसी के पास खुद ट्रेनिंग मिल रहा है, आप वहां ले सकते हो, सीखिए आप, कमाइए आप, आपका भगवान करे सब लोग कमाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद है चैनल बना के काम करना, मैं बना रहा हूँ, चैनल से कुछ पैसा भी आ रहा है, आएगा भी, अभी तक पैसा निकला नहीं है, पिन नहीं आया है, लेकिन पैसा बन रहा है, कुछ पैसा बन रहा है, जो पैसा बनेगा वो सब गौ सेवा के ऊपर जाएगा, अनाथ सेवा के ऊपर जाएगा। ये सब पैसा एक बार जब आएगा तो एक ही बार निकालेंगे, जितना दो चार महीना बाद जितना बने 2000 4000 10000 वो हम गौ सेवा अनाथ सेवा इसमें लगाएंगे, हमारा मकसद ही अलग है। तो चलिए ये वाली बछिया का बात कर लेते हैं, उधर वाली रेड कलर वाली बछिया का तो हो गया 20 दिन हुआ है। अब ये वाली बछिया हमारी जो है, ये बछिया थोड़ी सी इसकी माँ नहीं थी तो ये बछिया का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये बछिया हमारी लगभग 2 साल की होने को आ गई है, क्योंकि इसका दिक्कत ये हुआ कि पहली बार में मतलब सीमेन लगवाया तो एक महीने के बाद फेंक दिया बच्चा, और उसके बाद से सीमेन लगाते गए और कंसीव नहीं किया, रिपीटिंग समस्या आ गया। तो अब की बार लगवाए हैं सीमेन, अब इसको सफैया करवाए थे उसके बाद सीमेन लगवाए हैं, अब देखते हैं अब की बार कितना दिन पर क्या होता है, ऊपर वाले का मर्जी है। इसको हम सेक्शन सीमेन लगवाए हैं, बीएस वाला सीमेन लगवाए हैं, और कौन सा उसका नाम था, नाम पूरा याद नहीं है, इसका सीमेन उधर फेंका हुआ है, पूरा डेटा हमने नोट किया है इसका। तो बछिया वाला सीमेन लगवाया है, इसका एबीएस वाला है, एबीएस में कौन सा नस्ल है वो मतलब ब्रीड है उसका नहीं मालूम। बछिया एकदम हाइट में, इसकी माँ पहली ही ब्यात में इसको दी थी और लगभग 24 लीटर से 25 लीटर दूध दे रही थी, और बछिया ये 2 महीना की हुई तब तक इसकी माँ मर गई। इसको हम दूसरी गाय का दूध पिला के तैयार किए, जो पगली गाय हम बोलते थे, वो हमारे साथ एक आदमी रहते थे, उनको हमने दे दिया हूँ। गाय अभी ही है, गाँव में ही है, प्रेग्नेंट है, वो भी गाय बच्चा देने वाली है 1 महीना बाद, तो हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी 25 लीटर प्लस वाली है। तो ये बछिया का हमारा सीमेन अभी लगा, 2-3 दिन हुआ। इसके साथ ही ये सहीवाल वाली को भी सीमेन लग गया, इसको एकदम प्योर सहीवाल लगवाए हैं, इसी की बछिया उधर वो वाली है जो पीछे एकदम मस्त लगती है, कोई भी पसंद कर लेता है, हल्का ब्लैक कलर धुंधला है, तो इसको भी एक ही साथ सीमेन लगा। अब ये वाली बछिया जो है हमारी, देखते हैं अभी तो लग रहा है कि हीट में आएगी, क्योंकि इसका कंडीशन बोल रहा है कि हीट में आएगी, अब अगर हीट में आती है तो सीमेन लगाएंगे। सीमेन लगाने से पहले इसको हम सफैया करवा देंगे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी एक बार सीमेन लगा था और उसके बाद रिपीट कर दी, ब्लडिंग कर दी, उसके बाद से फिर मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ है। तो एक ये बछिया है, इधर सब गाय है जो अभी सभी गाय ताजी है, 1-2 महीना हुआ है। इसमें से इस गाय को साथ में सीमेन लगा है 10 तारीख को, इसका डिस्चार्ज आप देख सकते हैं। इसका कंसीव करने का मतलब नहीं अनुभव है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज संदेहजनक है, लेकिन हो भी सकता है, ऐसा होता है, क्योंकि मेरी बदमसिया गाय जो उस साइड 2 नंबर वाली है, उस साइड से जिसका टैग नंबर हमारे पास 5 है उसका, लेकिन 2 नंबर उधर से है, तो वो गाय का मतलब ऐसा ही हुआ था, सेम ब्लडिंग और ये सब हुआ था, फिर भी कंसीव कर गई है, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। तो देखते हैं, ये कोई खास चीज़ नहीं है, इसमें हो जाता है कभी कभी ऐसा भी, गर्मी बहुत है। तो देखिए कैसे आराम से सो रही है आँख बंद करके, इसको थोड़ा भी मालूम नहीं है, इसके पास हूँ तो भी, अब देखिए जगेगी कैसे, ये देखिए शरीर पर हाथ रखा तो जगी। ये गाय एकदम आराम में है, सभी गाय आराम कर रही है, इस साइड में एकदम बैठी हुई है, साफ सफाई भी हो चुका है, अभी लगभग 8 बजा है, पूरा काम क्लियर हो गया है। तो ये वाली गाय अभी भी दूध 18 लीटर प्लस है,
ये घर वाली गाय है, इसको सीमेन लगाया लगभग 21 दिन हो गया, लगता है कंसीव कर गई है। अब ऊपर वाले का दया, अगर कंसीव हो गई तो ये एक हमारे लिए किस्मत है, क्योंकि ये गाय हमारे लिए बोनस है। मरी हुई गाय जी गई थी और 25 लीटर तक मिल्क ले गई, अभी भी इसके पास 20 लीटर के आसपास दूध है। वाइट ब्यूटी हमारी 5वां महीना अब रनिंग हो गया है, अब इसको हम धीरे धीरे ड्राई की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि गाय के पास अभी भी 12 लीटर दूध है और गाय थोड़ी सी दुबली पतली इस बार रह गई है, तो इसको हम सोच रहे हैं अच्छे से तैयार करें, क्योंकि अब की बार इसका उम्र भी ज़्यादा हो चुका है, 4th लैक्टेशन हो गया इसका, और आपको देखने से लगेगा कि दूसरा ही है, क्योंकि ये गाय बहुत मतलब हमारे पास किस्मत है ये गाय, लेकिन अभी तक एक बदकिस्मत यही है कि इसकी एक भी बछड़ी जिंदा नहीं रही, हर एक बार बछड़ी दी और सभी बछड़ी मर गई। ये वाली हमारी बुलेट, इसका नाम रखे है बुलेट, जो दोनों जोड़ी खरीद के हम लाए थे, तो इसके पास भी लगभग 10 लीटर दूध है दोनों टाइम मिला के, लेकिन ये अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, सबसे बड़ा समस्या है। इसकी बछिया भी अब तैयार हो गई, जवान हो गई। समस्या इसके साथ इसलिए ये हुआ कि ये गाय को लंगड़ी बीमारी हो गया था, तो गाय बहुत कमज़ोर हो गई, अब तो थोड़ा सा बॉडी मेंटेन कर ली है, लेकिन गाय ये भी एक मतलब मुसीबत से झेल के आई है। तो गाय कितने भी बड़ी बीमारी में चली जाती है और उसके बाद अगर बच जाती है तो हमारा किस्मत अच्छा गिना जाता है, इसलिए कि हमारे पास पैसा लगाने के बाद भी नहीं बचती है गाय, लेकिन बच गई तो वो अपने पास एक शांति मिलता है कि है हमारे फायदा। ये वाली गाय है, इसको भी सीमेन नहीं लगा, दूध भी कम हो गया है, 4 महीना से ऊपर बच्चा दिया हुआ हुआ, अभी इसके पास लगभग 10 लीटर 11 लीटर दोनों टाइम मिला के है, और ये वाली गाय को सीमेन लग गया, 21 दिन भी हो गया। अब देखते हैं ऊपर वाले का दया, इसको भी ये भी अभी दूध दोनों टाइम मिल के 12 से 13 लीटर कर रही है, अगर कंसीव कर गई तो चलिए एकदम मेरे लिए किस्मत है। और ये वाली बदमसिया गाय, और इधर उजवलिया वाली, ये वाली 7 नंबर टैग वाली है, इसका 8वां महीना चालू हो गया, इसका 7वां महीना पूरा होने को आया है, ये 15 दिन आगे पीछे दोनों बच्चा देगी। अब देखते हैं भगवान का दया, गाय दोनों एकदम मस्त तैयार हो रही है, एकदम गाय जैसी होनी चाहिए ऐसी बॉडी मेंटेन है। अब इस गाय के बाद उस साइड में दिखा देता हूँ, अब कौन सी गाय पर, ओहो हो हो, आज 21 दिन हुआ गाय डिस्चार्ज देने लगी, लगभग संदेह हो गया, देखिए वीडियो बनाते बनाते ऐसा हो रहा है, तो लगभग दोनों तरह से बोला जा सकता है, मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है, क्योंकि आज 21 दिन हुआ है और इतना डिस्चार्ज देना संदेह हो गया अब इस गाय में। अभी ठीक थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो भी है गर्मी के चलते हो सकता है, लेकिन अभी भी कन्फर्म नहीं है कुछ भी, अभी से भी कंफर्म हो सकती है, क्योंकि ये डिस्चार्ज कोई गारंटी नहीं होता है, इसका हो भी सकता है, क्योंकि उस गाय पर जब आजमा लिया हूँ दो गाय पर, तो इस पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड में एक ये नंदी जी महाराज है, ये 3 बछड़ी है, देखिए तीनों बछड़ी, ये वाली बछड़ी इस गाय की है और उधर नई वाली गाय की, ये वाली एकदम नई वाली की, इसी की माँ का रिकॉर्ड हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या खिलाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में बने हैं तो आप देख लीजिए। इस गाय को हम बताने वाले थे, तो दोस्तों इस गाय का मिल्क कैपेसिटी हमारे को 25 लीटर बताया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस गाय को मिल्क फीवर हमारे यहाँ हो गया, और मिल्क फीवर होने के बाद आपको मालूम ही होगा कि सबसे पहले दूध संभलता नहीं है जल्दी, जिस गाय को बीमारी हो जाए उसका दूध संभलना मुश्किल हो जाता है, तो इस गाय को हमने जैसे भी हो भगवान का कृपा है अपने से ही दवा करके बचा लिया और सब चीज़ अच्छा हो गया। अभी इसके पास लगभग 20 लीटर दूध रेडी हो चुका है, 20 लीटर दूध रेडी है, 20 लीटर 18 लीटर लगभग दोनों टाइम मिला के हो जा रहा है, बछिया भी उसी में पी ले रही है, तो मान के चले 20 लीटर टोटल दूध बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि बछिया का छोड़कर, टोटल दूध 20 लीटर के आसपास है, कभी कभी 18 लीटर के भी आसपास होगा, क्योंकि 2 लीटर से ऊपर बछिया पीती है एक टाइम, और 7 से 8 लीटर दूध निकाल लेते हैं एक टाइम में। अब इस गाय को हमने क्या क्या निर्धारित किया है खिलाने के लिए, तो दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में। इस गाय को देखिए हमको मतलब अनाज और सब कुछ हरा चारा तक सब वजन के हिसाब से खिलाना है, सबसे पहले इसको हरा चारा दोनों टाइम मिला के 20 से 25 kg हमको खिलाना है, ये चीज़ फाइनल है, खाए तो ठीक है, नहीं खाएगी तो उसके लिए हम अपना जुगाड़ लगाएंगे कि उतना खा जाए, क्योंकि शरीर है इसका खाने वाला उतना। 1 kg भूसा देंगे पूरे दिन में, इसको हम सुधा दाना दोनों टाइम मिला के 5 kg देंगे, चोकर दोनों टाइम मिला के हम इसको 3 kg देंगे, 5, 3, 8 kg ये हुआ, और दोनों टाइम मिला के इसको 1/2 kg चने का बेसन देंगे, दोनों टाइम मिला के 1/2 kg गुड़ रोज देंगे, और प्लस में इसको हफ्ते में 1 दिन सरसों का तेल देंगे, और मिनरल मिक्सचर इसको नहीं देंगे, हम मिनरल मिक्सचर को चेंज कर दिए हैं, सुधा वाला भी बंद कर इसको नहीं देंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद दिखा देता हूँ क्या देने वाला हूँ, सरसों का तेल 100 ग्राम हफ्ते में, मतलब महीने में आपको 400 ग्राम हुआ, लगभग 500 ग्राम मान के चलिए महीने में,
गुड़ रोज का आधे किलो मतलब 15 केजी गुड़ महीने में, 5 केजी रोज का सुधा दाना मतलब 5 × 50 150 केजी सुधा दाना, 3 केजी चोकर, 3 × 30 3 × 6 = 9 एक कुंटल के आसपास चोकर मतलब 2.5 क्विंटल अनाज हो गया इसका, और चना आधा आधा किलो मतलब 15 केजी चना महीने में, और नमक इसको महीने में लगभग 50 ग्राम के हिसाब से रोज का, तो वो भी मान के चलिए 1 से 1.5 केजी हो गया, 1.5 केजी नमक इसको देंगे। गुड़ बता ही दिया, चना बता ही दिया, सरसों का तेल बता ही दिया। अब मिनरल मिक्सचर के जगह हम इसको रोज क्या देने वाले हैं, 50 ग्राम का पैकेट है, मार्कोलाइट वो दिखा देता हूँ। पहले इस सब गायों का समझ लीजिए, ये सब गाय, सभी गाय इस साइड में, गाय कोई भी गाय को सीमेन नहीं लगा है, सभी गाय इस साइड में ताजी भी आई हुई है, सभी के पास दूध अच्छा खासा है, एक केवल उस साइड वाली लास्ट वाली छोड़ के बाकी सभी गाय के पास लगभग 20 लीटर के आसपास दूध है। टोटल दूध मेरे फार्म का लगभग 160 से 170 लीटर है अभी के डेट में, 170 लीटर टोटल दूध है मेरे फार्म पर अभी, टोटल जेनुअल दूध जितना हो रहा है दोनों टाइम मिलाकर घर का और ये सब लेकर 170 लीटर दूध है। 170 लीटर दूध का 35-38 रुपया एवरेज रेट मान के चलिए, 38 के ऊपर अभी नहीं आ रहा है, 38 लास्ट आ रहा है, कभी कभी 35 भी आ जा रहा है, लगभग हमारा 37 रुपया एवरेज रेट हरदम रहता है, तो 37 रुपया ही है उसके हिसाब से आप रोज का मतलब 170 लीटर गुणिया 37 रुपया मार लीजिए, और महीने का अभी हमारा लगभग इतना चलेगा, हर एक महीना अभी चलेगा, एक महीना बाद जब गाय वो बच्चा देगी तो बढ़ेगा भी तो कुछ कम भी होगा, क्योंकि व्हाइट ब्यूटी फिर ड्राई हो जाएगी 6 महीना होगा, तो प्लस में खुराकी उतना ही रहेगा अभी हमारा, इसलिए कि अभी जो गाय है इतना ही रहेगी, अभी बढ़ेगी नहीं, सभी बछिया जो है तैयार हो रही है, बछिया प्लस में है, इतनी सारी जानवर हमारे पास तैयार हो रही है। अब एक एक चीज़ एक्स्ट्रा इस गाय को जो देने वाले हैं, 50 ग्राम का पुड़िया है, आज से ही शुरू कर दिया हूँ, तो यही वाला है, नाम इसका देख लीजिए आप लोग, ये सबसे बढ़िया काम करता है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। प्रेग्नेंट गाय को जो लोग हाईलाइट और जो भी देते हैं मेटाबोलाइट जो भी चीज़ देते हैं उसके जगह ये मार्कोलाइट हम अजमाए हुए हैं अपने बदमसिया गाय को। क्लियर नहीं आ रहा है दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, क्लियर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, यार कैसे क्लियर आएगा, कैमरा में क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, मेरा कैमरा इतना अच्छा है तो भी क्लियर नहीं आ रहा। मार्कोलाइट इसका नाम है, मार्कोलाइट यही वाला हम इसको गाय को रोज एक पुड़िया देने वाले हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, और कैल्शियम और सब चीज़ बंद कर देंगे। केवल यही 20 रुपये का एक पुड़िया पड़ता है, लगभग 18 रुपये का पड़ता है, इसको एक पुड़िया रोज देने वाले हैं। इसका रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए अच्छे से, क्लियर आ जाता है तो आ गया हो भाया, मार्कोलाइट यही है। ये प्रेग्नेंट गाय को अगर आप देते हैं तो सबसे बढ़िया काम करता है प्रेग्नेंट गाय के लिए, बचदानी का भी और जेर गिराने में भी समस्या नहीं आता है, दूध में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, थन का अडर का बनावट बढ़िया बड़ा बनाता है और दूध तो अच्छा करेगा और बच्चा भी खूब बढ़िया तैयार होता है, बच्चा बछिया जो भी है, और सभी चीज़ इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, तो आप लोग इसको दे सकते हैं प्रेग्नेंट गाय को। हम इसको देने जा रहे हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जो है उन्होंने सलाह दिया कि दीजिए महीने में 20 पुड़िया इसको खिलाइए, तो हम 30 पुड़िया खिलाएंगे, 20 ही नहीं खिलाएंगे, रोज एक खिलाएंगे, मिनरल और कैल्शियम सब बंद कर लेंगे, तो इतना चीज़ खिलाने जा रहे हैं, कितने का खर्चा आ रहा है महीने का वो आपको लास्ट महीने में बताएंगे, और कितना दूध हमारी गाय ये दी वो सब टोटल रिकॉर्ड बताएंगे, महीने का लास्ट दिन का बताएंगे, क्योंकि आज 11-12 तारीख आज हो गया, 12 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं, 12 तारीख से अभी मेरे पास 31 महीना है मतलब 18 दिन से 19 दिन बाकी है, 18-19 दिन में खिलाते हैं, कितने का खिलाएंगे क्योंकि जो हिसाब जोड़ने वाला होगा उसको मालूम पड़ जाएगा इतने का हुआ, तो आप लोग मिला लीजिएगा हिसाब कितने का खुराकी हुआ कितना प्रॉफिट दे रही, बाद में जो दूध कम होते जाएगा 3 महीना बाद तो हम ये सब नेचुरल जो चीज़ है ये सब देंगे, लेकिन अनाज इसका कम हो जाएगा, केवल जो सुधा दाना है वो केवल कम हो जाएगा, चोकर नहीं कम हो जाएगा, सुधा दाना कम होता चला जाएगा, अभी वही चीज़ उतना ही रहेगा, सेम 4 महीना तक खिलाएंगे, 4 महीने के बाद देखा जाएगा, एक महीना हमको 20 दिन हमारे पास है, 18 से 20 दिन, 18-20 दिन में आप लोग को रिजल्ट 1 तारीख को बताऊंगा कितना आया इसका क्या आया, प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है वो सब चीज़ बताऊंगा, और कितना दिन बाद प्रेग्नेंट हो रही है, बीच बीच में वीडियो तो आता ही रहेगा, बहुत सारी जानकारियाँ है मेरे पास जो देते रहेंगे, समस्या कितना सारा आता है वो सब समस्या का निदान भी बताते रहते हैं, तो वीडियो लास्ट है अभी, सभी को जय श्री राम जय श्री राधे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिएगा, और किसानों तक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, ताकि शेयर करेंगे तो हमारा सपोर्ट होगा,
और हमारा सपोर्ट होगा तो जरूर हम आप लोग का भी सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई भी भाई हमारा वीडियो देख रहा है वो यूट्यूब चैनल वाला है, उसको चैनल पर ग्रो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, कोई समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी है। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसे की बकचोदी नहीं है, आपका सपोर्ट हम जितना हो सकेगा करेंगे, आप लोग के सपोर्ट में रहेंगे। आप लोग अगर बोलेंगे तो लाइव स्ट्रीम चला देंगे ताकि लोगों का सपोर्ट हो जाए, सब्सक्राइबर जिनको बढ़वाना है। हम कुछ टारगेट नहीं देंगे कि इतना सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बढ़वा देंगे अपने चैनल पर डाल के। तो अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल वाले हैं तो हमारे पास कमेंट भी कीजिएगा, या डायरेक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। ये पूरा फार्म है हमारा, ऐसे फार्म पुराना वाला है, और इसी के पास इस साइड में इधर से इधर इधर घूमते 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 ये अपना दरवाजा, ये नया वाला फार्म बन गया है। पूरा फार्म रेडी है, अब केवल गाय को इधर खुला में लाना है। पहले सोचते हैं व्हाइट कलर वाला जो रेती आता है बालू, उसको गिराना है, उसके बाद इधर पूरी गाय आ जाएगी। तो यही पूरा फार्म है, खुला रहेगा, ओपन एरिया रहेगा, बगीचे के अंदर है, पंखा भी इसमें लग जाएगा, बिजली भी अच्छी है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।